वेलकम टू अवर फूड रेसिपीज। आज हम बनाएंगे व्रत की थाली। बहुत ही कम समय में आप इसे बनाकर खा सकते हैं, तो चलिए रेसिपी शुरू करते हैं। थाली में सबसे पहले पूरी बनाएंगे। पूरियां बनाने के लिए यहाँ पर मैंने एक कप राजगीरा आटा लिया है। आटे में एक चम्मच तेल लेंगे। तेल को आटे के साथ अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अब आटे में थोड़ा थोड़ा पानी मिलाकर आटा तैयार कर लेंगे। पूरी के आटे को 5 मिनट का रेस्ट देंगे। 5 मिनट के बाद अब आटे में से छोटी छोटी लोइयां बना लेंगे। राजगीरे आटे की पूरी बनाते समय चकले पर चिपकता है, तो आप थोड़ा तेल लेके या सूखा आटा स्प्रिंकल करके भी बना सकते हैं। मैंने यहाँ पे प्लास्टिक सेत ली है, उस पर थोड़ा सा तेल ग्रीस कर लेंगे। अब एक लोई रख कर बेलन से बेल लेंगे। राजगीरे की पूरी बनाते समय उसकी किनारियां ऐसी थोड़ी फटी सी रहती हैं, लेकिन फिर भी पूरी बहुत ही अच्छे से फूल के तैयार होती है। पूरियां बनके तैयार हैं, अब इसको तल लेंगे। पूरियां तलने के लिए यहाँ पर मैंने तेल गरम करने के लिए रख दिया है। तेल गरम हो गया है, अब तेल में बारी बारी से पूरी डालेंगे। पूरी अच्छी तरह से फूल गई है, पूरी को निकाल लेंगे। इसी तरह से सारी पूरियां तल लेंगे। सारी पूड़ियाँ तल गई है, अब सब्जी बना लेंगे। सब्जी बनाने के लिए यहाँ पर मैंने 2 बॉयल आलू लिए हैं। आलू के छिलके निकाल लिए हैं और उसको छोटे छोटे टुकड़ों में काट लिया है। अब कढ़ाई में 2 बड़े चम्मच तेल लेंगे। तेल गर्म हो गया है, अब इसमें 1/2 टीस्पून जीरा मिलाएंगे, 1 टेबल स्पून कच्ची मूँगफली, 1/2 टीस्पून हरी मिर्च और अदरक की पेस्ट मिलाकर इसमें कटे हुए आलू भी मिला देंगे। आलू को तेल में अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। स्वाद के अनुसार सेंधा नमक, 4 से 5 करी लीव्स मिलाएंगे। अब 3-4 मिनट आलू को अच्छी तरह से पकने देंगे। आलू बॉयल ही है, इसलिए इसको ज़्यादा पकाना नहीं है, लेकिन इस पर थोड़ा सा क्रंची लेयर आ जाए उतना इसे पकाना है। आलू की सब्ज़ी बनके तैयार है, अब सब्ज़ी को निकाल लेंगे। अब कढ़ाई में जो तेल है वो गर्म ही है, हम इसमें 1/2 टीस्पून जीरा, 1 टेबलस्पून मूंगफली, 8 से 10 करी लीव्स, 1/2 टीस्पून हरी मिर्च और अदरक की पेस्ट और 1/2 कटा हुआ आलू मिलाएंगे। सब कुछ अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। 1/2 कप सामा चावल लिए हैं, उसको 2-3 पानी से धो लिया है, वो तेल में मिक्स कर लेंगे। चावल को तेल के साथ अच्छी तरह से भून लेंगे। स्वाद के अनुसार सेंधा नमक, 1 कप पानी मिलाएंगे। सब कुछ अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। चावल को 3 से 4 मिनट पकने देंगे। अगर आपको बीच में ज़रूरत लगे तो थोड़ा पानी मिला सकते हैं। सामा चावल बनके तैयार है,
अब इस पर थोड़ा सा कटा हुआ हरा धनिया डालेंगे। चावल के साथ कढ़ी बनाएंगे। कढ़ी बनाने के लिए यहाँ पे एक कप दही लेंगे। दही ज्यादा खट्टा नहीं लेना है। दही में एक टीस्पून राजगीरा आटा मिलाएंगे और अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। आप ये कढ़ी बिना आटे के भी बना सकते हैं। अब दही में ज़रूरत के हिसाब से पानी मिलाएंगे। पानी मिलाकर अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अब कढ़ी के घोल में स्वाद के अनुसार सेंधा नमक, 1/2 टीस्पून हरी मिर्च और अदरक की पेस्ट, 1 टीस्पून कटा हुआ हरा धनिया मिलाकर सब कुछ अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अब कढ़ी को तड़का लगाएंगे। कढ़ी को तड़का लगाने के लिए यहाँ पे मैंने एक पैन लिया है। पैन में एक बड़ा चम्मच तेल ले लिया है। तेल में 1/2 टीस्पून जीरा, एक कटी हुई हरी मिर्च, 8 से 10 करी लीव्स और थोड़ा सा कटा हुआ हरा धनिया मिलाएंगे। अब दही के घोल को तड़के में मिक्स कर लेंगे। अब कढ़ी में 1 टीस्पून चीनी मिलाएंगे। चीनी मिलाकर सब कुछ अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। कढ़ी में उबाल आ गया है। कढ़ी बनके तैयार है। मीठे के लिए यहाँ पे अब खीर बनाएंगे। खीर बनाने के लिए यहाँ पे मैंने 250 ml दूध उबालने के लिए रख दिया है। दूध उबल गया है। अब दूध में 3 चम्मच भिगोए हुए साबूदाना मिलाएंगे। साबूदाना को अच्छी तरह से दूध में उबाल लेंगे। दूध थोड़ा सा गाढ़ा हो गया है। अब हम इसमें चीनी मिलाएंगे। यहाँ पे मैंने 2 टेबलस्पून चीनी मिलाई है। आप जितना मीठा खाते हैं उस हिसाब से आप चीनी मिला सकते हैं। अब चीनी मिलाकर दूध को अच्छी तरह से उबाल लेंगे। दूध उबल के तैयार है। अब खीर में 1/4 टीस्पून इलायची पाउडर और थोड़ा सा केसर मिलाएंगे। केसर टोटली ऑप्शनल है। अब इसको 2 मिनट के लिए उबाल लेंगे। खीर बनके तैयार है। अब हम इसको सर्व कर लेंगे। थाली में सबसे पहले सब्जी, उसके साथ पूरियां, फिर सामा चावल, कढ़ी, खीर और फरसान में आलू के पकोड़े हैं। आलू पकोड़े का वीडियो आपको देखना है तो आप आई बटन दबा के देख सकते हैं। तो व्रत की थाली बनके तैयार है। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर कीजिए और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। जल्द ही मिलेंगे एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए नमस्ते।